हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? डेली कोई ना कोई वैकेंसी सिर्फ आपके मतलब की ऑलवेज आने ही लग रही है। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए इतना ही करना होगा कि कोई भी वीडियो आती है उस पर अप्लाई ज़रूर करना होगा। भाई यार अप्लाई कर दिया कीजिए ना यार। मेरा देखिए, मैं एक वेल सेटल्ड हूँ, अच्छी जगह जॉब करता हूँ और अच्छा भला ठीक ठाक कमा लेता हूँ। देखिए हवस की खोपड़ी है, ये कभी बढ़ती नहीं है। चाहे कभी भी कितना भी अर्निंग कर ले, कोई भी कर ले, तो वो एक आगे बढ़ने की स्टेज पर हो, बट इतना है कि सफिशियंट है। लेकिन मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी जॉब एक सर्टेन एक अच्छी एज पे लग जाती है तो आपके पास ऑप्शंस होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए आपकी जॉब की 100% गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन मैं बस आपसे इतना ही तो बोलता हूं कि यार अप्लाई कर दो, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर लिख दो। यार देखिए, ये कोई एंटरटेनिंग चैनल नहीं है कि आपको लाइफ टाइम मेरे से जुड़ के रहना है। ये सिर्फ जब तक ही आप देखेंगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। तो इसलिए अगर जब तक आपका मन है तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में क्या ही जाता है। और अगर देखिए, मैं आपसे सब्सक्राइब और घंटी का आइकन बोलने का क्यों बोलता हूँ, अभी LNT की मैं वीडियो लाया था करीबन आज से 10 days बिफोर। वहाँ जैसे नॉर्मली कोई अप्लाई नहीं करता है, वहाँ सबने अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने किया उनका सबका रिप्लाई आ गया, क्योंकि वो भुवनेश्वर लोकेशन के लिए थी और वहाँ 52,000 बंदों ने उसको देखा है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी कोई वैकेंसी आती है, कभी कभी आती है, जहाँ 100% चांसेस होती हैं, तो ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी ना जब आप अप्लाई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अप्लाई और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दिया कीजिए। ये जो है TASL इज हायरिंग वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन फॉर एयरक्राफ्ट डिलीवरी। अब आप इसमें बोलेंगे कि भाई तुमने बोला है कि ये तो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और स्पेशली यहाँ लिखा है जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। नहीं, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे, डायरेक्ट हायरिंग ड्राइव एक तो चल रहा है इनका, एक्सपीरियंस वालों के लिए चल रहा है, और जो फ्रेशर्स वालों के लिए चल रहा है वो ये चल रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव BD एस्टिमेशन TASL बेंगलुरु। जो फ्रेशर्स वालों के लिए है वो है बेंगलुरु लोकेशन के लिए, और जो एक्सपीरियंस वालों के लिए वो है वडोदरा लोकेशन के लिए। अब बहुत बंदे ये बोलेंगे आप बेंगलुरु क्यों बोलते हो, बेंगलोर क्यों नहीं बोलते? बेंगलोर बोलने को तो बेंगलोरो भी बोल सकते हैं, बट रियल में नेम उसका बेंगलुरु ही है, इसलिए बेंगलुरु बोलता हूँ। अब बात कर लेते हैं ये जो ये वैकेंसी किस किस के लिए आई है। सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं बता देता हूँ, TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की हायरिंग वडोदरा में C5 फाइनल असेंबली लाइन टीम में MRB स्ट्रक्चर मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एयर फ्रेम स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एविएशन और कन्फर्मेशन मैनेजमेंट में है। 9 अप्रैल से, बस ये है कि इन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की है, 9 अप्रैल 2023 से पहले अप्लाई कर देना। आज क्या है, आज है 5th अप्रैल, और यहां से जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी वो आएगी 14 अप्रैल। प्लीज, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी जो है बेंगलुरु ही जाना होगा, बेंगलुरु ही जाना होगा आपको इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे MRB के लिए इन्होंने क्या मांगा है, मैकेनिक जो है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए दिखा रहा हूं, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मैकेनिकल वालों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एयर फ्रेम स्ट्रक्चर वालों के लिए मिनिमम 3 to 8 years के लिए एयर फ्रेम या स्ट्रक्चर्स में। अब स्ट्रक्चर्स में कौन कौन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स में सिविल वाले भी आ जाते हैं, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एविएशंस में। इसमें क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 to 8 years का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही कंफ्यूगरिंग मैनेजमेंट में बैचलर मैनेजमेंट इन मैकेनिकल और एयरस्पेस इंजीनियरिंग क्या मांगा है, 3 to 8 years का एक्सपीरियंस मांगा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई हेयर विद 9th अप्रैल, 9th अप्रैल से इन्होंने बोला है इस लिंक पे आपको करना है, और ये 14th अप्रैल को जो है आपका इंटरव्यू। सेम डे इन्होंने क्या कर दिया है, फ्रेशर्स वालों के लिए भी हायरिंग करती है, किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर BD एस्टिमेशन TASL बेंगलुरु में। अब इन्होंने क्या बोला है, सेम डाटा दोनों के लिए दिया है, इन्होंने गूगल फॉर्म दिया है जो कि सेम सबमिट करना है, लेकिन अलग अलग दिया है। तो अब मान लीजिए कि जैसे अगर फ्रेशर वालों का सबसे पहले सबमिट करके दिखाता हूं, यहां सबसे पहले आपको नाम लिख देना है, नाम के बाद आपका मेल फीमेल, आप किस कैटेगरी से हैं, उसके बाद ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर। अब अगर आप मैकेनिकल से हैं BE BTEC तो आप मैकेनिकल लिख दीजिएगा, अदर्स से हैं, देखिए अदर्स मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ अदर्स कर दीजिएगा। डिप्लोमा की कोई सी भी ब्रांच से हैं तो आप कर दीजिएगा, इसके साथ साथ MTEC की जिस ब्रांच से हैं वो मेंशन कर दीजिएगा अगर MTEC की है तो।
इसके बाद करंट लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या याद रखिएगा, कोई सिटी की लोकेशन ही डालिएगा क्योंकि प्रेफरेंस देते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि आप इजीली अवेलेबल हो सकते हैं इसलिए कोई भी देता है। इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि आप गांव से या फिर किसी अन्य बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं, वो उसका कोई मैटर नहीं होता है। नेक्स्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आपका जीरो है तो जीरो मेंशन कर दीजिए, करंट कंपनी अगर आपकी कौन सी, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर मेंशन कर दीजिएगा। नोटिस पीरियड जो फ्रेशर है वो जीरो डेज डाल लें और एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो दूसरे में डाल सकते हैं। करंट डेजिग्नेशन आपकी GET या DET लिख दीजिएगा फ्रेशर वाले, और जो एक्सपीरियंस वाले। अब ये करंट CTC, अब ये CTC क्या होती है, CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, करंट कितनी है, मतलब करंट। और जो फ्रेशर वाले हैं वो तो कुछ सोच ही नहीं सकते, तो फ्रेशर वाले तो यहाँ जीरो ही लिख के एक्सपेक्टेड में, एक्सपेक्टेड के लिए मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा वालों के लिए 3-3.5 लाख पर एनम ये साल की, और जो बीटेक वाले हैं उनके लिए 3.5 to 4.5 लाख एनम, और एमटेक वालों के लिए है 4.5 to 6 लाख पर एनम। ये होगा अपलोड रिज्यूम, रिज्यूम के लिए मैंने ऑलरेडी रिज्यूम के लिए बोला है भाई, रिज्यूम अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट भी इसी में ऐसे ही दिया है, इसमें डिप्लोमा वालों का कोई ऑप्शन नहीं दिया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, और ब्रांचेज में भी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ECE वालों को ही इन्होंने दिया है। ईयर ऑफ पासिंग में भी इन्होंने भाई एक्सपीरियंस ज़्यादा का मांगा है तो पासिंग भी फिर लेट की दिखाएगा ना, तो ईयर ओवरऑल एक्सपीरियंस, नोटिस पीरियड क्या है, करंट CTC क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए है। अब जो बंदे वडोदरा रिलोकेट हो सकते हैं वही ये फॉर्म भरें, अदरवाइज मत भरिएगा। इसके साथ साथ रिज्यूम अगर किसी को ब्रांच चाहे, आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, अगर जिसको चाहिए रिज्यूम आप कमेंट सेक्शन में ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, रिज्यूम ब्रांच जो भी आपकी है और उसके बाद पास आउट ईयर, और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ एक और बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर किसी को जॉब चाहिए, किसकी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए, किस जॉब की, उस जॉब की जो आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना जरूर पड़ेगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।